स्नेक प्लांट जो है ना इससे मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। ये वाला ये नीलकंठ है, ये भी मैंने है ना कॉन्क्रीट का है ना ये? हाँ तो पानी की इतनी कमी है अभी यहाँ इंदौर में ना। और यार शॉर्टेज ये पहले से ही थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है, वैसे पहले से ही ऐसा शॉर्टेज यहाँ शॉर्टेज हाँ यहाँ शॉर्टेज होती है। अभी हमें पानी स्टोर करना पड़ा, धूप है तो है ना इस तरह के पॉट भी रखी छत में ताकि चिड़ियाओं को ना पानी मिले। अच्छा मदर टंग। हाँ मदर टंग, देखो जैसे अपनी टंग होती है ना वैसे होते हैं। अभी मैं जरा एसी की हवा ले रहा हूँ, पीछे आप देख सकते हो आपको धूप का नामो निशान नहीं मिलेगा। तो भाई अभी आपने गेम देख लिया होगा जो भी खेल रहे थे, यहाँ पर मौसी ने कर रखी इतनी सारी गार्डनिंग। मौसी यहाँ के बारे में कुछ बताओ कि ये पेड़ मतलब कहाँ से लेके आया, कौन सी दुनिया से मतलब कहाँ से कौन कौन से पेड़ आप लेके आ रखे? ये जो पेड़ है ना आधे तो मैंने क्या कर रखा है, देखो ये है इसको मदर टंग बोलते हैं। मदर टंग। हाँ मदर टंग, देखो जैसे अपनी टंग होती है ना वैसे होते हैं। ये देखो लग भी ऐसे रहा है, देखो ध्यान से देखना है। ये देखो ये बिल्कुल मदर टंग की तरह है और इसमें देखो ये टूट गई, ये देखो हो जाए। हाँ ये ऐसे हो जाते हैं और मैंने ये लगा रखे हैं। ये सारे जितने भी घर में जो वैसे निकलते हैं ना लाइक अ स्क्रैप जैसे, हाँ, तो मैं उनको यूज ऐसे कर लेती हूँ। अब मतलब अपने आप हो भी जाते हैं वैसे भी। और हम प्लांट कैसे लेते हैं पता, हम लोग का फ्रेंड सर्कल है तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक प्लांट आया ठीक है, अब उसकी एक जड़ी तो चाहिए तो हम क्या करते हैं एक डिस्पोजेबल लेते हैं, उसमें उसको वापस से उसका उसको मतलब उसमें हाँ उगाते हैं तो फिर अपने फ्रेंड को एज ए गिफ्ट उसको दे देते हैं। तो ऐसे कर करके इतने सारे प्लांट हम लोगों ने किए हैं। देखो यार कौन कौन से देख रहे ये मौसी ने सब, ये मौसी नहीं लगा रखे। और आपको एक चीज़ देखने को और मिल रहा होगा कि देखो लोग यूज़ करते हैं ये, देख रहे हो इसमें मिट्टी रखी और प्लांट्स बो दिए, पर अब देखो आपको इसमें दिखेंगे ये कपड़े वाले भी दिखेंगे, पन्नी की पॉलीथिन भी दिखेंगी, देख रहे हो। और ये कट्टे का है, ये तो अभी इसकी हालत क्योंकि अभी बहुत धूप दिन में बहुत धूप हो जाती है ना, ये जल अभी कुछ दिन पहले बहुत अच्छे थे। ये इसे कुमाऊनी में कहते पापड़। सबसे पहले घबराना नहीं है, पापड़। हाँ तो ये जल गए हैं और हम ये पत्तों को फेंकते भी नहीं है, ये भी इसी में चूरा कर देते हैं ताकि इसकी खाद बन जाए। तो और मैं खाद के लिए और लहसुन और नहीं प्याज नहीं है और ये रहा अजवाइन, देखो ये अजवाइन है। बाप रे अजवाइन के आपने नीचे भी दिखाऊंगी, दाने देखे होंगे पर अब देखो ये अजवाइन का पेड़ है, नीचे भी है मैं दिखाऊंगी। मेरी बालकनी में मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो ये गार्डनिंग देखो, ये मटका है टूटा हुआ और उसको इस्तेमाल कर रखा है, इस्तेमाल कर रखा मैंने, ये बेस्ट यूज ऑफ पॉट, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। पर एलोवेरा भी दो चार हो रहे हैं, जब करवा चौथ चरण छू बेटा जब बनाते ना उसमें ये फिर बच जाता। ये है ये सर्फ एक्सेल का पैकेट है, ये एशियन पेंट के डब्बे हैं। ये तो एक यूनिक चीज आपको दिख रही है कि नहीं, तो आप सोचोगे यार बाहर से कोई प्लांटेशन वाला आएगा उससे गमला लोगे ठीक है, फिर उसमें मिट्टी भरोगे ठीक है, तो ये देखो इसमें जरूरत है। और ये देखो घर का ही है जो आपको करना है डीकम्पोज करने के लिए, जो चीज आप देते हो उसको देखो यूज घर में। और कुछ प्लांट तो मैं है ना कहीं पे देखती हूँ ना रास्ते में उखाड़ के ले आती हूँ, मैं उखाड़ के ले आती हूँ तो लगा देती हूँ। तो उनमें से कोई है जो आपने ऐसे कोई लगाया? ये है, इसको भी मैं नीचे से कहीं से लेके आई थी, ये है ये भी कहीं से लेके आई थी। अरे बाप रे। और ये एक ये है ये वाला प्लांट देखो, ये भी मैं कहीं से लाई थी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि आप है ना उठा उठा के प्लांट्स ही ले जाते हो, तो क्या है वो देखो ये अभी सब झुलस रहे हैं, ये कितने सुंदर प्लांट है, ये सच्चे में बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे, ये देखो बहुत अच्छे हैं ये। तो देखो इतने बढ़िया बढ़िया यार प्लांटेशन हो रखा है, देख रहे हो। और प्लांटेशन के साथ सबको ये बोलो कि थोड़ा सा आजकल बहुत धूप है तो है ना इस तरह के पॉट भी रखे छत में ताकि चिड़ियाओं को ना पानी मिले। अच्छा, मैं इसमें तो हाँ पानी भर के रखती हूँ। जैसे आपने देखा होगा घर में कि पापा क्या करते हैं बाहर डॉगी के लिए हो गया और बिल्ली बिल्ली उनके लिए दूध और रोटी वोटी रखते हैं ना, ऐसी देखो मौसी ने क्या रखा हुआ है पानी, यहाँ पर दो पॉट आपको दिख रहे होंगे इसमें पानी भर रखा है। आप इसमें मतलब पानी भरोगे तो सही है ना यार, कहाँ जाएं पक्षी वगैरह समझ रहे हो, किधर जाएंगे, तो ऐसी जगह उनको मिलेगी। ये देखो पानी की इतनी कमी है अभी यहाँ इंदौर में ना। और यार शॉर्टेज ये पहले से ही थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है, वैसे पहले से ही ऐसा शॉर्टेज यहाँ शॉर्टेज हाँ यहाँ शॉर्टेज होती है। अभी हमें पानी स्टोर करना पड़ता है और जब पानी नहीं आता तो हमें पानी के टैंकर मंगाने पड़ते हैं, और इवन अभी 500 से शुरू होता है और 1800 2000 तक पहुँच जाता है, मतलब एक टैंकर बुलाने का। इसीलिए जो पानी है ना अभी हम गर्मियों में क्या करेंगे, जैसे सब्जी धोएंगे चावल धोएंगे दाल धोएंगे तो उसको पानी में स्टोर कर देती हूँ तो मैं ये प्लांट में दे देती हूँ। तो ये दिक्कत मुझे इधर ही होती है और भी आसपास है? नहीं, इस थोड़े से इस एरिया में है, इस एरिया में है। वैसे नर्मदा का अगर जिनके पास नर्मदा की कलेक्शन है उनके लिए तो भरपूर पानी है, पर जैसे इतनी बड़ी मल्टी होती है तो उसमें 8 परिवार है 9 परिवार है, तो इस वजह से ना यहाँ पे फिर इस तरह से हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। और ये देखो ये तो वो देखो ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर जो मौसी बता रही है, बाकी और भी चीजें टिया के हाथ थक गए
कर रही हो तभी इसलिए मैंने पकड़ लिया अभी जरा उसको आराम। मैं पानी और लेके आती हूँ क्योंकि पानी कम पड़ गया है, और लेके आ रही हूँ पानी। तो देखो ये इतने सारे देख रहे हो और ये क्या चीज है, बस हवा निकल गई। देखो ये मारेगा मुंह लाल, देखो कितना वर्क है। अंडरटेकर बनकर मारूंगा, अंडरटेकर तेतल बन के मारेगा। गुड, वेरी गुड। तो देखो इतनी सारी प्लांटेशन हो रखी है और आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सोचो इवन इतने बढ़िया एरिया में रह के भी, क्योंकि यार अब ये कनेक्शन की बात होती है यार। ऐसे आप दिल्ली का ही समझ लो कि जिनका कनेक्शन ठीक है प्योर वाटर का है, उनको सुबह सुबह 3 बजे उठना पड़ता है यार। सुबह 3 बजे उठो, 3 से 5 के बीच में पानी आता है ठीक है, और डुग्गू जैसे पानी ख़राब करते हैं। गुड, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत शरीफ है, आजकल क्रिकेट खेल रहा है बहुत अच्छा, और कल ही इसने 750 रन मारे हैं। एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने, बहुत ज़्यादा होते हैं सच्ची में, है ना है ना, कितने 750 20 रन, अरे सॉरी उसमें माइनस कर दो सर। हाँ डुगू क्या हुआ, छत की एक आपको दिखाऊंगा यहाँ का एरिया ठीक है। पहले तो आपको प्लांटेशन दिखा रहा हूँ, फिर आपको छत से व्यू दिखाऊंगा कि कितना बढ़िया दिखता है। आपने दिल्ली में देखा होगा हमारे घर से आसपास आपको बस वो दिखते हैं, बस उससे आगे कुछ नहीं दिखता ठीक है। दीवार दिखती है जिसमें वो जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी ख़राब होती है ठीक है। और यहाँ देखो कॉन्क्रीट का बना हुआ, कॉन्क्रीट का है ना ये, कॉन्क्रीट का जो होता है ना इतना हार्ड होता है कि इसमें आप जितने कील वील मार लो नहीं जाता अंदर। मल्टी इतनी अच्छी बनी हुई है ना, कम से हमने 80-90 जगह घूमे होंगे ये जगह से पहले लेने से। हाँ फिर ये वाला फ्लैट, ये एरिया ही पसंद आया क्योंकि अपना हमारा जो 2 BHK का है ना बैक साइड में, तो भी बहुत ओपन भी है और रोशनी भी अच्छी आती है उसमें। तो उसका भी एक अलग से दिखाऊंगा, जैसे टूर करना हो ऐसे होम टूर, तो उसका भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी है। इससे उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो इंदौर आना चाहते हैं ठीक है, और ऐसी जगह में कितने रह रहे हैं फ्लैट में, ऐसे जैसे एक रूम हो गया, दो रूम हो गया, कितने मतलब मेरी एज की मतलब रहने आ रहे हैं, तो उस चीज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ देखो ये जस्ट अभी बने हैं, और यहाँ भी यहाँ से देखो वहाँ से वो हनुमान जी का बहुत फेमस है, वो हनुमान जी का दिख रहे हैं सामने आपको, दिख रहा होगा जूम करके ऊपर से, और दिखेगा वो ऊपर से भी। चलो दिखाऊंगा मैं भी थोड़ी देर में, क्योंकि एक अलग से व्यू दिखाना है कि यहाँ से खजराना गणेश मंदिर भी दिखेगा ऊपर से छत में से। तो सोचो इतनी चीजें यहाँ पर दिख रही है यार, दिख रही, तू हाथ कहाँ लगा रहा है, और रात के समय तो और भी अच्छा लगता है, रात के टाइम तो और अच्छा लगता है, रात के टाइम तो बहुत कोई तो देख इतनी। यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, बाप रे दिल्ली का टेम्परेचर सुन के तो मेरे इच्छा ही मर रही है जाने। यार एक चीज देखो, मैं आप बोल रहे हो कि वीडियो क्यों बन रही है, इससे मैं प्लांटेशन दिखा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो रह रहा है ठीक है, उसमें क्या मतलब डिफरेंस कि वहाँ पर इतनी गर्मी ज़्यादा और यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं लग रही गर्मी, ठीक है नॉर्मल है टेम्परेचर। इसी के साथ टिया के हाथों में दर्द भी हो गया है, हो रहा है ना, अब नहीं हो रहा तो पकड़ फिर। ये भी आपने एक पौधा लेके आई थी छोटा सा, तो उससे मैंने 3-4 लगाया, जैसे ये थोड़ा सा ये अलग तरह का हो गया, जैसे बोलते हैं ना भाई बहन सब अलग अलग हो जाते हैं, तो ये अलग तरह का हो गया, ये बंच में हो गया, मतलब अलग अलग। हाँ ये वाला बंच में हो गया, ये इस तरह का ये, हाँ वही तो मेरे सब अलग अलग तरह के हो गए। अलग अलग एक नीचे ये, ये नीलकंठ है, ये वाला ये नीलकंठ है, ये भी मैंने है ना सब मतलब एक पौधा लाई थी तो उससे 1, 2, 3 ये बनाए हैं और नीचे भी लगाए हैं। और अभी एक यूनिक और चीज दिखाता हूँ इधर आओ, ये भी बताओ, ये जैसे आप कभी वो पीते होंगे क्या बोलते हैं उसको, छोटी सी बोतल आती है जब भी आप जाते हैं मूल कूल ठीक है, तो उसको आप पीते हो, डब्बे फेंक देते हो, ये देखो इस्तेमाल ही फूल खिला, ये कूल कूल अमूल कूल, ये देखो यहाँ यहाँ से देखा मेरा फूल, ये अभी अभी नहीं जाना चाहिए, ये देखो ये देखो प्यारा लग रहा, देखो ये मैंने ये ऐसे लगा रखे हैं, तो लगा रखे हैं देखो जितने भी आपको दिख रहे हैं, और आसपास सब के सब। अभी कल के किसी का सामान शिफ्ट हुआ था, इस वजह से थोड़े से है ना ये सामान के चक्कर में गिर गए, गिरे भी कल वो इधर उधर, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, प्लांटेशन बहुत अच्छे हैं। हाँ, अभी मैं और करूंगी प्लांटेशन, इसे ही कहते हैं। ये देखो ये मैंने ऐसे है तो ये इस तरह से ऐसे बना दिया, तो देखो ये अलग से बना रखा है, देख रहे होगा ये ऐसे बना रखा है, इसका तो ये कि छोटा तोड़ के आप कहीं लगाओगे तब भी हो जाएगा। और इसमें भी मेरे पास 3-4 कलर है, एक ऑरेंज है, एक येलो है और एक व्हाइट है, येलो ऑरेंज व्हाइट, हाँ ऐसे है मेरे पास, मैंने ऑरेंज तक आया हूँ उसका आगे नहीं देखा मैंने। और अभी अभी मैं है ना सारे तुम्हारे वहाँ लेके भी जाऊंगी, वहाँ भी लगाऊंगी, वहाँ पर भी मतलब लगाने के लिए हो जाएगा। हाँ बाकी आपको व्यू में दिखाऊंगा बाद में या फिर शाम के टाइम जब आपको छत से दिखेगा कि क्या क्या नज़ारा यहाँ से दिखता है। तो वैसे और कोई पेड़ है क्या अभी ऐसे में, क्योंकि प्लांटेशन बहुत अच्छी कर रखी है आपने। अच्छा नीचे दिखाती हूँ ना, देखो ये रह गया था, ये भी इंडोर ही है, इंडोर के लिए। हाँ देखो मेरे पास इसमें मैंने है ना आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए थे, पर मेरे से दिमाग में आया कि इसमें मिट्टी डाल लूं और आर्टिफिशियल क्यों लगाऊं, मैं रियली लगा लूं। तो अब ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो आराम से यहाँ विंडो की साइड में।
गार्डनिंग अभी छत की देख ली थी, अब घर की तो देख लो, ठीक है। हाँ देखो स्टार्टिंग में आपको ही दिखेगा ये, देखो अरे बापर तो इसमें भी वही आते हैं छोटे छोटे से रेड कलर के, या गुलाबी आते हैं वो से, गुलाबी कलर के आते हैं, इसको तोड़ के कहीं लगाओगे लग जाएगा। और यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर प्लांटेशन देखो, देखो ये भी मैं है ना कहीं से कलम लेके आई थी, ये हाँ ये बटन गुलाब है, बटन गुलाब है व्हाइट कलर का, तो ये गुलाब आते हैं इसमें। हाँ ये इसका ये बहुत बड़ा हो रहा था तो मैंने उस तरफ कर दिया, ये ऐसा आता है मतलब लाइक अ बुश इतना बड़ा होता है। और ये पोई है, पोई हाँ, इसे खाते हैं, ये पोई है, इसका भी बीज मैंने ऐसे लगा दिया था। ये पुदीना है, पुदीना भी मैं इसको आए दिन तोड़ती हूँ, और जो भी मतलब ये हम लोग खाते हैं ना केले वगैरह और जो भी, ये सब मैं इसी में डाल देती हूँ, ये तो खाद की तरह काम आता है, इसमें ये डालती हूँ। ये स्नेक प्लांट है, ये भी मैं कहीं से लाई थी, मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है, शायद हमारे पास भी है ना। हाँ ये स्नेक प्लांट है, बहुत सारा हो रखा उधर ये बहुत। हाँ स्नेक प्लांट जो है ना, इससे मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है स्नेक प्लांट से, तुलसी से। तो देखो ये लगाया करो। और ये मेरे मिर्ची का पेड़ है, इसमें कम से कम 20 से 30 मिर्चियां एक साथ लगी थी। खैर अभी तो इसका सीजन खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया अभी हाँ, तो ये भी ऐसा हो गया, पर मैं इसको तोड़ूंगी नहीं क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छे फल देते, और ग्रीन तो कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए इसको तोड़ने का मन नहीं कर रहा। सीजन ऐसा होता है कि एक बार में उखाड़ देते हैं, एक सीजन उखाड़ तो देते हैं, पर अब देखो वो हरा भरा है ना, उसको कैसे तोड़ दो। अच्छा हाँ ये बात है, हरा भरा है तो नहीं तोड़ रही। और ये भी इंडोर प्लांट है, ये भी हाँ, ये भी मतलब हाँ थोड़ा डेकोरेशन के, डेकोरेटिव प्लांट भी बोलते हैं इसको। हाँ ये सूखा हुआ निकल गया, ये भी डेकोरेटिव प्लांट जो मैं बोल रही थी ना, मेरे पास कलरफुल वाले पॉस्टुला है, वो ये है, ये ऑरेंज कलर का है ये। अच्छा ऑरेंज वाला आता है हाँ। और ये नींबू का पेड़ लगाया है मैंने, ये भी मैंने खुद ही बोया है, ये भी खरीद के लाई हूँ, ये अजवाइन है, ये अजवाइन हो रहा है। ये नीलकंठ का पौधा है, ओहो नीलकंठ, इसमें अभी फूल आए नहीं है। नीलकंठ का आपने पक्षी सुना होगा, पर ये नीलकंठ पौधा बिल्कुल जैसे नीलकंठ का होता वैसे इतना सुंदर पौधा आता है इसमें, इससे आता है। और ये येलो कलर के बटन वो है हाँ, जो ऊपर बता रहे तोड़ के लगा सकते तो आ जाएंगे। और ये ब्रह्म कमल है, ये ब्रह्म कमल, ये भी मैं कहीं से मेरी फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था, ब्रह्म कमल है ये। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये मतलब ये साल में दो साल में यानी कितने सालों में एक बार इसमें फूल आता है। और ये भी मैं लेके आई थी, मैंने कुछ भी प्लांट नहीं खरीदा, ये भी मैं लेके आई थी। बाप रे इसमें ये वाले इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें वो था होएगा इसमें मतलब बाद में कुछ डालोगे है ना, नहीं इसमें पान का पत्ता था वो सूख गया। और ये तुलसी है, तुलसी देखो हाँ, अब जैसे ये तुलसी में मेरे बहुत सारे ये हो गए हैं, इसको निकाल लो हाँ, इसको मैं सब तोड़ देते, मुझे टाइम ही नहीं मिला, बहुत टाइम मेरा ऐसा हो जाता है। चाय में भी तो डालते हैं इसको, सूखा चाय में डाल देते हैं, नानी यूज करती है इसको सूखा के, फिर इसका पाउडर बना के मिक्सर में, ठीक हाँ। है फिर चाय में ऊपर डालो, क्या टेस्ट आता है। वैसे कुछ भी नहीं फेंकना चाहिए, देखो अभी आजकल खाद तो मिलती नहीं है, जैसे अपने केला खाया है, संतरा खाया है, पपीता खाया, तो आप उसको एक बर्तन में लो, गला के रख दो धूप में दो तीन दिन, उसका जो पानी है ना पौधे में ठीक हाँ। होता है, हो जाते हैं बढ़िया, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और अभी तो मैं इसको है ना अच्छे से टंगाऊंगी, मतलब इसके लिए गमले लेके आऊंगी हाँ, इसको तो फिर हैंगिंग वाला बना देंगे, बन जाएगा बहुत बढ़िया हाँ। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, और आपको इतनी सारी वैरायटी दिखा दी कि आप घर में ही लगा सकते हो, नहीं तो आपके मन में आता होगा कि यार हमारे उधर गार्डन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो जाओ उत्तराखंड जाओ लगाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, पहले मुझे कोई लगाने नहीं देता था, बोलते थे यहाँ से नीचे गिर जाएंगे, तूने रख दिया सामान कहाँ रखे, मैंने कहा नहीं थोड़ा बहुत प्लांट तो चाहिए हाँ। तो देखो तभी आपको इतनी वैरायटीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर देख के आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और बताना कि इनमें से आपको कौन कौन से पसंद आए, या इनमें से कौन कौन से प्लांट आपने लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आप सब भी खुश रहें। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में।